कंपनी में हायरिंग चल रही है? बेलमेट पे, ऑयल में, तानियन में, सेलकॉम में, सब जगह चल रही है। हर जगह चल रही है। जो हमारे भाई बाहर से आएंगे तो उनको जॉब मिल जाएगा? हाँ जी सर, उसको सैलरी मिलेगी, मात्र 2 दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, और अगर तीसरे दिन भी काम करता है तो बंदे को सैलरी मिलेगी। इसमें कम से कम ज़्यादातर कितने बंदे सैलरी उठा लेते हैं महीने का जी इस कंपनी में? हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार, और आप देख रहे हैं इसरार ऑफिशियल चैनल। और इसरार ए टू जेड मेरा 2 चैनल है यूट्यूब पे, एक तो इसरार करके, इसरार ए टू जेड, और इसरार ऑफिशियल करके। तो अभी यहाँ पे हायरिंग चल रही है, तगड़ी हायरिंग चल रही है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सभी भाई हमारी और सभी बहनें हमारे आए हुए हैं जॉब के लिए। तो ये हमारे साथ 2 हमारे भाई हैं जो कि हायरिंग कर रहे हैं, और ये डॉक्यूमेंट सभी के ले रहे हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सचिन तिवारी। क्या नाम है सर आपका? सचिन तिवारी। कहाँ के रहने वाले हो आप सर? कानपुर के। कानपुर के रहने वाले? अच्छा जी, अभी आपके फर्म का क्या नाम है? AS फोर्स एंड मैन पावर कंसल्टिंग। कितनी पुरानी है सर ये? 10 साल पुरानी है। 10 साल पुरानी है। आप कितने महीने से काम कर रहे हो इसमें? 5 साल। 5 साल से लग रहा है, 5 साल से कर रहे हो? तो 5 साल से मैनेजमेंट के लेके, कंपनी के लेके कोई इशू तो नहीं आई है? नहीं। कैसा लग रहा है अभी काम करके? काम करके अच्छा लग रहा है, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा। हाँ जी मैम। अब तक कितने 1000 मैन पावर आपने ज्वाइन कराए हैं कंपनी में, कुछ आइडिया है? कम से कम 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार करा दिया जी। तो कैसा भी फील हो रहा है आपको? खुशी मिल गई कुछ? खुशी मिल गई यार, इतने लोगों को रोजगार दिया है ना। वैसे रहने वाले कहाँ के हो? कानपुर के देहात के। कानपुर के रहने वाले? तो बेसिकली अभी किस कंपनी में हायरिंग चल रही है? बेलमेट पे, ऑयल में, तानियन में, सेलकॉम में, सब जगह चल रही है। हर जगह चल रही है। जो हमारे भाई बाहर से आएंगे तो उनको जॉब मिल जाएगा? हाँ जी सर, मिल जाएगा। आपका नंबर डाल सकता हूँ? डाल सकते हो। बेसिकली अभी हम किस कंपनी के ठीक सामने हैं? बेलमेट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, क्या मैन्युफैक्चर करती है कंपनी? मेडिकल लाइन कंपनी, नीडल बनाती, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, कैनूला वगैरह बनाती है। किस किस क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को ले रहे हो आप? हाई स्कूल, BSc, बायो से, इंटर पास, ये सब वगैरह। ITI फिटर जो भी हो वो लेंगे। ITI सिर्फ फिटर ट्रेड से ले रहे हो? हाँ जी, फिटर भी है, इलेक्ट्रीशियन भी है, जो इलेक्ट्रॉनिक का भी कोई भी हो वो देंगे, उसका भी ले लेंगे। तो जो हमारे भाई बाहर से आना चाहते हैं, जैसे कुछ हमारे कानपुर के हैं, लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, बहुत सारे दूर दूर के बंदे हैं, तो आ सकते हैं? वो आ सकते हैं। अच्छा, इस कंपनी में जो मेडिकल लाइन कंपनी, इसमें कब तक हायरिंग चलेगी? ये चलती है, इसमें चलती रहती है। इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों? बॉयज दोनों। बेसिक इसमें वर्क क्या है सर, काम क्या करना होगा? बेसिक वर्क नीडल बंदी, उसकी पैकिंग, ऑक्सीजन, ये सब इसकी पैकिंग होती है। मशीन भी, मशीन चलानी पड़ती है। आपसे भी पूछ रहा हूँ, मशीन भी चलानी पड़ती है। अच्छा, चलानी पड़ती है और पैकिंग भी करना पड़ता है? पैकिंग भी। 10th 12th वाले क्या सैलरी है सर? 10,275 है। अभी 80 बायो से है, वो उसकी 11,103 रुपया। अच्छा अच्छा, उनको मिल जाएगी सर? हाँ जी, मिल जाएगी। ओवर टाइम भी चलता है इसमें? ओवर टाइम 4 घंटा पर डे है, लड़की का 2.5 घंटा है। कितने रुपये पर घंटे हैं? पर घंटे है 50 रुपये घंटे। 50 रुपये घंटे। महीने कितनी सैलरी उठाने वाले बंदे इसमें काम करते हैं? लड़कों उठाएंगे 14,500 रुपया 12 घंटा के, और लड़कियां उठाएंगी 13,500 रुपये। समथिंग 13,500 रुपये। हाँ, लड़कियां। एज क्राइटेरिया इसमें क्या है? एज है 18 से 25 साल। 18 से 25 साल। लास्ट 30 होता तो चल जाएगा? 30 अदर गवर्नमेंट लगवा देंगे। हा? अदर गवर्नमेंट 28 साल चला देंगे। 28 साल चला देंगे। हाँ जी। तो अभी एक बबार अपना नंबर आप बता दो। मेरा नंबर है 9582844999। जो हमारे भाई इस नंबर पे कॉल करेंगे तो उनको जॉब की नौकरी मिल जाएगी? हाँ जी। फ़ोन कॉल रिसीव तो करोगे ना? हाँ जी, फ़ोन बहुत ज़्यादा आए हैं। हाँ जी। तो जो हमारे भाई कहते हैं भैया फ़ोन कॉल रिसीव नहीं होते, तो हम तो नंबर दे देते हैं बट फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं। 9 to 5 आप कॉल करना है ना सर? हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो जैसा कि मैं ये आप दिखा दूँ, अभी हम यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई जो भी ज्वाइनिंग हो रहा है, अभी उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और एक हमारे ये भी भैया हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम बातचीत कर लेंगे, जो कि 2 हमारे भाई यहाँ पे है AS मेन फॉरवर्ड कंसल्टेंसी से। क्या नाम है सर आपका? धर्मेंद्र तिवारी। धर्मेंद्र तिवारी जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं औरैया से रहने वाला हूँ। औरैया? अरियारी? औरैया? औरैया, औरैया UP। औरैया जो कानपुर के पास है ना? हाँ, कानपुर के पास है। हाँ, वही तो हम भी कह रहे हैं, जो टेक चैंपियन है वहीं का ना? हाँ, टेक चैंपियन। हाँ। अच्छा, तो कैसे आप यहाँ, किस कंपनी में आप बंदूक हायर कर रहे हो अभी? यहाँ पे बेलमेट में कराता हूँ, ऑयल में कराता हूँ, तानियन में करवाता हूँ, थ्री जोन टेक्नोलॉजी LLP में करवाता हूँ। हमारे पास बहुत सारी कंपनियाँ हैं, हर कंपनी में मैं हायरिंग करवाता हूँ। तो अभी किस कंपनी के लिए आप कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं? अभी हमारे पास तो जितनी भी कंपनियां, सबके लिए हायरिंग चल रही है। अभी हम किस कंपनी के सामने हैं सर? अभी तो मैं बेलमेट इंटरनेशनल के सामने हैं। कंपनी के हम ठीक सामने है दोस्तों, कंपनी ठीक सामने है। अच्छा, क्या मैन्युफैक्चर करती है? ये कैडमूला वगैरह है,
और यूरिन थैली वगैरह, बोतल, नली, ये सब चीज़ें बनाती है। मतलब ये मेडिकल डिवाइस, मेडिकल से संबंधित आइटम बनाती है। तो कैसा लग रहा है आपको अभी एयर फोर्स में ज्वाइन करके? अच्छा लग रहा है। कितने साल हो गए आपको इसमें? हमको हो गए 4 साल यहाँ पे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये चीज़ें क्योंकि जो हमारे भाई इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे, मतलब काम करेंगे, इनके थ्रू सैलरी तो इनके थ्रू आएगी, तो कंपनी के लोग कोई इशू तो नहीं आएगा? कोई इशू नहीं आएगा, उसकी सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अच्छा, सैलरी कितने तारीख को आ जाती है? सैलरी 7 तारीख को आ जाती है। अगर बंदा वो डिज़ाइन देता है तो उसे डेट बता दी जाती है, अगर डिजाइन नहीं देता है तो जब तक डिजाइन नहीं देगा तब तक सैलरी नहीं आएगी। सब तक सैलरी नहीं, हाँ, डिजाइन देने के बाद तुरंत सैलरी उसको डेट बता दी जाती है, सैलरी आ जाती है। सैलरी आ जाती है, मतलब अगर कोई बंदा ऐसा है जो 10 दिन 12 दिन या 15 दिन काम करके कुछ ऐसा इशू आ जाता है, वो चला जाता है, तो सैलरी मिलेगी उसको? सैलरी मिलेगी, मात्र 2 दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, और अगर तीसरे दिन भी काम करता है तो बंदे को सैलरी मिलेगी। इसमें कम से कम ज़्यादातर कितने बंदे सैलरी उठा लेते हैं महीने का जी इस कंपनी में? इसमें बेलमेट में, इसमें कोई 14,500 कम से कम 12 घंटे के 14,500 SIPF कटने के बाद उठा लेते हैं। उठा लेते हैं, फिर कोई प्रेशराइज काम तो नहीं है ना? नहीं, कोई प्रेशराइज काम नहीं है। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे आसपास रूम वगैरह मिल जाती है? हाँ, रूम मिल जाती है। यहाँ पर छियारती है, बजीतपुर है, बहलोलपुर है, चोटपुर है, इन गाँवों में आराम से रहने के लिए सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है भैया, से बातचीत करके अच्छा लग रहा है। और कुछ हम उन भाइयों से बातचीत कर लेंगे जो यहाँ पे जॉब के लिए आए, कुछ कैंडिडेट तो आए हुए हैं। कैंडिडेट कहाँ पे है? तो एक हमारे भाई हैं जो कि एएस मेन फोर्स के थ्रू जॉब करने के लिए यहाँ पे आए हैं ना। क्या नाम है सर आपका? अरुण यादव। कहाँ के रहने वाले अरुण जी? फरुखाबाद। फरुखाबाद के हो, क्या क्वालिफिकेशन है? हाई स्कूल। क्या एज कितनी है आपकी? 19 साल। 19 साल है जी। तो एएस मेन फोर्स के जरिए आप ज्वाइनिंग ले रहे हो, है ना? हाँ। कैसा लग रहा है अभी आपको? सही लग रहा है। सैलरी की क्या बात हुई है? सैलरी की 8 घंटे के 10,089 सैलरी है और ओवर टाइम है, 2,000 बढ़ भी गई है। अच्छा, 2,000 बढ़ी है क्या? 2,000 या 200? 2,000। 200 बढ़ी है ना, जब ही तो कह रहा हूँ। 2,000 बढ़ेगी तो 12,000 सीधे से। हाँ, अभी जो ग्रेड है अक्टूबर में वो शायद 200 से 250 रुपये बढ़े हैं, है ना? अच्छा, मुझे पता नहीं था सर, सॉरी। तो अभी क्या ज्वाइनिंग आपकी हो गई? हाँ, ज्वाइनिंग हो गई। कब हुई ज्वाइनिंग? ज्वाइनिंग मेरी हुई थी 30 तारीख को। 30 तारीख को, तो मतलब इस समय 14 दिन आपको हो गए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या वर्क करना होता है? वर्क मुझे स्लाइड चेक करना होता है। अच्छा, हाँ, चेक करना होता है। उसमें क्या चेक करना होता है जैसे? उसमें निडल को चेक करना होता है कि कोई भी इशू ना आए पेशेंट को लगाने में। अच्छा, मतलब किसी तरह कोई डिफेक्ट ना हो, इफेक्ट ना हो ना? हाँ, है ना, यही अल्टर ना हो। हाँ हाँ। तो अब किधर स्टैंडिंग वर्क है कि या बैठ के काम करना होता है? बैठ के काम करना होता है। बैठ के काम, बैठ के ही है। हाँ, कोई प्रेशराइज काम तो नहीं है? नहीं। जो हमारे भाई बाहर से आएंगे तो काम कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कहाँ पे रह रहे हो? बहलोलपुर। कितना रूम रेंट का? कितना? 5,000। 5,000 में क्यों लिया यार? 5,000, फैमिली रह रही है मेरी। अच्छा, पूरी फैमिली रह रही है, जब तो सही है। अच्छा, सस्ता रूम कोई लेना चाहे 2,200 मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। क्योंकि यार अकेला बंदा आता है दूर दराज से, तो कम से कम उसको? हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, तो अभी काम को लेके क्या कहना चाहते हो? कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाऊं मैं? आ जाए। हाँ, बुलाइए 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 आप। इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी? इंटरव्यू में केवल कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है आपको, केवल एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, आपने किस कंपनी में काम किया है, अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि चीज़ें जो है, हाँ, केवल आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होता है वो लगता है, बस। मतलब कोई चीज़ मिसमैच नहीं होना? नहीं, कोई चीज़ में इसमें। चलो, अच्छा ठीक है भैया, बातचीत करके अच्छा लग रहा है। जैसे कि सभी भाई यहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, डॉक्यूमेंट के हाथ में है और कंपनी के बिल्कुल हम ठीक सामने है, ये देखो आप। तो सर ठीक है, हम चलते हैं, है ना? ठीक है, हम जो भी हमारी वीडियो से आएंगे उनको प्रॉपर आप जॉब देना है ना सर? जी बिल्कुल। कॉल आएगा, नंबर तो आपने बताया ही है। नंबर, हम नंबर लिखा है? हाँ, बताओ एक बार नंबर। नंबर हमारा 9965454-3606। इस नंबर पर कॉल करेंगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा? बिल्कुल, बराबर कभी किसी भी टाइम करेंगे बराबर उठेगा। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। तो हमारे भाई बाहर से आ सकते हैं ना? आ रहा, निडर होके, है ना? निडर होके, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो उन्हें हेल्प होगी उनकी, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत। भैया से बातचीत काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद है तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, एक नए नौकरी के साथ। रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो के लिए तब तक के लिए होगा।